very good afternoon to all our beloved friends from the media. To introduce the esteemed guest, जो मंच पे यहाँ बैठे हैं, उसको लेके हम आपके समझ के लिए बोलना चाहते हैं कि विमेंस हेल्थ केयर से जो जुड़े हुए हैं स्पेशलिस्ट, पूरे भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के, द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेंस हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FIGO, FIGO, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। 140 कंट्रीज के सभी स्पेशलिस्ट डीलिंग विद विमेंस हेल्थ केयर उससे जुड़े हुए हैं, उसमें भारत भी एक हिस्सा है। तो भारत के जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका संस्था आप शायद आपको पहचान होगा, उसका नाम है FOGSI, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो 35,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन FIGO से जुड़ी हुई है। वैसे बाकी के 145 देशों के भी ऐसे ऐसे महिलाओं के जो संस्था से जुड़े हैं वो FIGO से, इसलिए FIGO को ग्लोबल वॉइस ऑफ वुमेन्स हेल्थ केयर कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हेमा दिवाकर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, दिवाकर हॉस्पिटल नाम का हमारा हॉस्पिटल है बेंगलोर में, और संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, FOGSI जो नेशनल संस्था है, FIGO जो इंटरनेशनल संस्था है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी टेकिंग केयर ऑफ वुमेन्स हेल्थ केयर। आर्टिस्ट भी हमारा एक संस्था है, एशियन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर स्किल ट्रांसफ़र, जिसमें हम रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोथ थ्रू द डिजिटल एंड द ऑनसाइट मेथड्स करते हैं। आज जो प्रेस वार्ता कर रही है, क्या उद्देश्य है? आज का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, पूरे दुनिया में हमारा NCDs पे, प्रेगनेंसी एंड NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज पे जो हमारा आज के दिन पे काम शुरुआत है, इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इंडिया में मुझे ले आना था, और यहाँ के माहौल, यहाँ हम कैसे कैसे इसको इनोवेटिव तरीके से, जैसे प्रोफेसर मोशे गुट ने बताया, उनके इसराइल में जो इनोवेशंस का जो है, नए नए तरीके के जांच के, सिंपल बट इफ़ेक्टिव, जो रिस्ट वॉच के जैसा है लेकिन आपका शुगर वो बता सकता है, ऐसे सभी डिवाइसेस हम इनके साथ जुड़ के ले आना चाहते हैं। योना पून जो BP के बारे में जो बताए, जो प्रिवेंटिव केयर कैसे हम करना, तो यहाँ उनका आने का ये उद्देश्य है कि हमारे साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हमारे सरकार के साथ कैसे हम जुड़ के FIGO लेवल पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत के मुद्दों को कैसे हम सामने रख सकते हैं, और क्या क्या बदलाव हम हमारे देश में तरक्की लेके आ सकते हैं, जो भारत में चलेगी उसी मॉडल को हम पूरे साउथ एशिया में एक्सपैंड करेंगे, जो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, ये सभी जो भारत में सक्सेसफुल होता है वो सभी साउथ एशिया के लिए एक लेसन बनेगा, और होल ऑफ अफ्रीका भी हमारे तरफ देख रहा है कि हम जैसे करें, हमारे जो सीख है उससे फ़ायदा उनका भी है। जो मैक्सिमम लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, FIGO के तरफ से भी हमारे ये जिम्मेदारी बनती है कि वर्ल्ड लेवल पे हम दिखाएं कि इतने चैलेंजेस के बावजूद भी हम लोग इकट्ठे कनेक्ट एंड कोलैबोरेट के ज़रिए कैसे साथ साथ खड़े रह के, कोई भी मुद्दा ये दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहला कदम आज के दिन हम आगे रख चुके हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।